मर्द और घोड़े में कोई फर्क होता है क्या? है? मरने के चक्कर में चल को मेरे कुत्ते, तेरे को तो मैं कोर्ट में देख लूंगी, देखता रहता तू। करूंगा। बड़ी घटिया आदमी हो यार। आज मैं किसी और को भी मंगलसूत्र पहनाऊंगा। क्या प्रकाश, पहचाना? मैं हूँ भानु प्रताप, जिसका भान हर जगह चलता है। ए जान खड़ा हो जाए, बस लोगों की जान निकल जाती है कि कहीं मेरी बेटी को कहीं ना ले जाए। हमको तो लगता नहीं किसी का पाद भी निकलता होगा आपके नाम से, डॉक्टर ठाकुर भानु प्रताप। क्या बताने वाले हो, बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। पाद निकलता है कि नहीं निकलता है वो तो दुनिया जानती है। हमको नहीं लगता है कि आपके नाम से किसी बच्चे का भी पाद निकलता होगा। ये मंगलसूत्र क्या? ये मंगलसूत्र किसी और के गले में जाने वाला है। अब तो कोई नई कहानी बनेगी मेरी तरफ से। देख क्या करता हूँ मैं, सुरीली के सुर कैसे निकालता हूँ। और तू क्या सोचता है, सुरीली बहुत अच्छी है? देख तुझे एग्जाम्पल दिखाता हूँ। देख वो खड़ी हुई है सुरीली, क्या है उसके हाथ में? वो कुछ फाइल पलट रही है। देख ले क्या हो सकता है, दिमाग है तेरे पास? क्या हो सकता है उसके हाथ में, सोच जरा, दिमाग लगा। तू जिसको बहुत सीधी समझ रहा है, हर मर्द उससे कतराता है। क्यों कतराता है समझ ले, वो क्या है, उसका सुर, उसका रस बहुतों ने पिया है, लेकिन उसने कितनों को बर्बाद किया तो सोच भी नहीं सकता। मंगलसूत्र का राज बताओ ना, आप बात को खत्म करो। उसकी सहेली आई थी ना, हाँ हाँ, उसकी बेटी थी ना, हाँ हाँ, उसके लिए। यानी कि सुरीली की बेटी से शादी करोगे आप? सुरीली की बेटी से नहीं, सुरीली की सहेली की बेटी से। सुरीली की सहेली की बेटी से शादी करोगे? तो सुरीली कौन हुई आपकी, उससे क्यों नहीं शादी कर रहे हो आप? सुरीली से क्या करूंगा, सब तो रस निकल गया उसका। बड़ी घटिया किस्म के इंसान हो यार आप। इस बात के घटिया पे सुरीली का जीवन बर्बाद कर रहे हो आप। मर्द और घोड़े में कोई फर्क होता है क्या? आप क्या देख रहे हो उधर, हेलो? ये आपसे शादी करने के लिए क्या शर्त रख रहे हैं? ये तो आपके सहेली की बेटी से शादी करने वाले हैं। क्यों बुलाया? ये किसी से भी शादी करे मुझे कोई मतलब नहीं है। आप मुझे प्रॉपर्टी में पूरा आजाद हो गया, मैं अधिकार चाहिए, मुझे आधा अधिकार चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए, आधा हिस्सा चाहिए मुझे, आधा हिस्सा चाहिए। इसका क्या भरोसा मेरी तरफ, इसका क्या भरोसा? अरे क्या देखूं तेरी तरफ, सुन रहा है प्रकाश? हाँ 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 बोलिए। अरे निरूपा राय की औलाद, अब मुझे आधा हिस्सा चाहिए क्योंकि मुझे अब इस पर कोई भरोसा नहीं है। अच्छा? अभी मुझे जहर खिलाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि मेरे को एक खाया तो नहीं, मेरे को कुछ हो जाएगा, मेरे बच्चे तो जाएंगे। यानी कि आप बोल रहे हैं आपने शर्त रखा है कि इस प्रॉपर्टी के पेपर पर तुम साइन करो तभी आप अपने सहेली के बेटी से शादी कराओगे। पागल हो गए आप तो, ये किसी से भी शादी करे मरे थी, मुझे कोई मतलब नहीं है। ते झूठ, ये कहानी बना रहा है। कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ, सच्चाई है। मंदिर में खुद वाखुद उससे बोला है, जो मैं बोलता हूँ सही बोलता हूँ। प्रकाश मंगलसूत्र पहनाने से या सिंदूर डालने से क्या पत्नी हो जाती है? अच्छा नहीं नहीं, ते आप अपने फायदे के लिए किसी और का जीवन क्यों बर्बाद कर रहे हो? आपको बात समझ नहीं आ रही? आप बोल रहे हो ना, हाँ, कि आप इस प्रॉपर्टी के पेपर में साइन कराओगे तो इसके बदले में अपने सहेली के बेटी को दोगे, इसका बिस्तर गर्म करने के लिए। पागल हो आप, तूने साफ हाथ हो गई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये आप अपनी तरफ से झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये आदमी। अभी आपने खुद देखा ना, मेरे खाने में इससे जहर मिलाया है, क्या भरोसा है इसका? कल को ये मेरे को खुद मार दे, आज तक चलो तू था, तूने मुझे देख लिया, मुझे बचा लिया। तू रो रही है, तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा है। आज तो तूने मेरे को बचा लिया, कल को क्या भरोसा कोई बचाने के लिए? ना प्रकाश आएगा, अनाथ हो जाएंगे ना मेरे बच्चों के लिए, क्या मेरे बच्चों के लिए क्या सच है आप बताओ? आपके बात पे भरोसा नहीं, रोने से सच्चाई छुप जाने यार, ठीक है ना? भरोसा इस आदमी पे भरोसा करो? आप बताओ सच्चाई बताओ, आप क्या ये शर्त क्या रखी है? वैसे एक बात, तेरी माँ बड़ी निरूपर आई कट है, बिल्कुल रोती क्या शर्त रखी थी आप? शर्त बताओ, शर्त बताओ। मैंने बोला था अगर आप मुझे 25% प्रॉपर्टी का दो, 50% ही नहीं बोला। अच्छा 25% दोगे तो मैं अपनी सहेली की बेटी से आपकी शादी करवा दूंगी। बड़ी घटिया आदमी हो यार, मुझे मत बोल, मत बोल भाई, सच्चाई बताओ, सच्चाई। तुम्हें इस आदमी पे भरोसा है? पहले बताओ, जब जो आदमी मेरे खाने में जहर मिला सकता है तो कल को कुछ भी कर मेरी सकता है, तो नीचे गिर सकती है। साइड में मत जाओ, गिर जाएगी।
तो फिर मेरे को तेरी सहेली की बेटी कैसे मिलेगी? देख लो, खुद देखो ना, खुद देखो, आप इसकी नियत देखो ना, आप समझ क्यों नहीं रहे? समझ मैं कुत्ता हूँ ना, आप तो कितने लालची हो यार, पैसों के लिए इतना किसी लड़की का जीवन बर्बाद कर रहे हो। एक बुड्ढे से उसकी बेटी का शादी कराओगे आप? बड़ी घटिया इंसान हो यार, पुरपट्टी का पेपर चीख चीख के यही बोल रहा है ना। रो क्यों रही है? पुरपट्टी का पेपर चीख चीख के बोल रहा है। देख तू रो रही है, पर कैसे तेरे को बात क्यों नहीं समझ आ रही? तू ना कैसे बात देखा, मैं अंधा नहीं हूँ? ये मुझे जहर खिला रहा था, उसके बाद भी तू मुझे कह रहा कि तू कितनी घटिया औरत है। इस आदमी का क्या भरोसा कल को ये मुझे खत्म कर सकता? मेरे बच्चों के लिए क्या मंगल सूत्र बता, तू बता मेरे बच्चों के लिए क्या जाएगा यार? इस आदमी का क्या भरोसा है? क्या बोल रही थी ये? अरे इसने तो यही कहा, बताया ना मैंने 25% इसको प्रॉपर्टी चाहिए और अपनी सहेली की बेटी से शादी करवा देगी उसको, फिर मैं ये आप कराना चाहते हो? मंगल सूत्र पहनाऊंगा। एक बात बताओ तो, एक सेकंड मेरी बात सुनो प्रकाश, आप खुद देखो ये आदमी मेरे से शादी कर रहा है, एक घर में है, उसकी बेटी से भी शादी करेगा, उसकी मेरी सहेली से भी शादी कर, तुम ये क्यों नहीं सोचते इस आदमी का करैक्टर क्या है? तो इस पुरपट्टी का पेपर क्या बोल रहे हैं? क्यों लेके आए हो पुरपट्टी का पेपर आप? क्यों? मैं सिर्फ इसलिए लेके आई हूँ कि कल को मुझे खत्म कर देगा, मार देगा, तो मेरे बच्चों के लिए तो किस आधार पे आपको अपने पुरपट्टी देंगे? क्या किए हैं आपके साथ? शादी किया है ना? कब की है शादी? और जो बच्चा मेरे पेट में है उसका कोई बच्चा नहीं है, खुद बोलिए बुढ़िया, तेरे पेट में कोई बच्चा है ही नहीं है, झूठ मत बोल, अपने बात में तू खुद फंस रही है ना। अरे मॉडर्न निरूपा रहा है, कितना रहेगी है? निकल जा 2 मिनट में इधर से, शरम चुल्लू भर बारे में डूब मर, लालची आदमी, तू पुरपट्टी की लालची है, लालची ओए लालची, तुम मर्द हो ना इसीलिए तो एक मर्द का साथ दोगे तुम, तुम्हें पता चले तुम लालची हो, लालची लालची, खुद देख लिया कि मारने के चक्कर में चल कमीने कुत्ते, तेरे को तो मैं कोर्ट में देख लूंगी, देखता रहा तू लालची है रे बुढ़िया लालची, कोर्ट में देखेगी मुझे, बहुत लालची औरत है। देख ले प्रकाश, तू इस शरीफ आदमी को गालियां दे रहा था है? और तुझे क्या लग रहा है मैं उस लड़की से शादी करूंगा क्या? आप तो खुद बाप की उम्र के, आप थोड़े शादी करोगे? करूंगा, बड़ी घटिया आदमी हो यार, तुझे भी मौज करवाऊंगा। झूठ मजाक कर रहे हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, बेवकूफ आदमी हूँ क्या? अपनी डॉक्टर की डिग्री को बंद करवाना है क्या? लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा मेरा। अच्छा ये सब उनके मन अंदर से सच्चाई लाने के लिए बोल रहे थे आप? इसीलिए मैंने किया था, लेकिन तुम नहीं समझ रहे थे इस बात को, तुम कह रहे थे मेरी माँ जैसी है, पुरपट्टी के लिए इतना किससे? वो कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है, उसका कोई करेक्टर नहीं है। अगर उसका चरित्र सही होता ना तो हर मर्द गली से बच के निकलता, हर मर्द उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाता। हर आदमी बुरा होगा क्या? तुझे क्या लगता है हर आदमी बुरा है? तू भी बुरा है क्या? वो भी बुरा है क्या? वो भी बुरा है क्या? सब बुरे होंगे क्या? कोई तो सही होगा ना, 100-150 आदमियों से एक आदमी तो सही होगा, सब थोड़ी बुरे हो सकते हैं। लेकिन वो शुरू से चरित्र की खराब है, उसकी बहन ने मुझसे तब भी कहा था ये करेक्टर की शुरू से खराब रही है, कॉलेज में भी इसके कई चक्कर थे, क्या कर सकते हैं? माँ बाप खुद तो किए थे, पति क्यों मर गया जानते हो? क्यों मरा? इसकी हरकतों की वजह से मरा वो, इसने उसको मार दिया, नाम दे दिया मैंने आपकी वजह से मारा। अरे मैं हुई इतना सुंदर, मेरे पीछे लड़की अपने आप पड़ जाती है, क्या कर सकता हूँ मैं इसमें? और तुमको क्या लगता है मेरे पास लड़कियों की कमी है क्या? मैं इसकी सहेली की बेटी को जाके क्यों देखूंगा? मैं अपने हॉस्पिटल जाऊंगा या लड़कियां देखूंगा? फुर्सत है मेरे पास? जानता है तू मेरा, पूरे शहर में नाम है डॉक्टर भानु प्रताप, सब जानते हैं, इतना बड़ा सर्जन हूँ, अगर मेरे पास फुर्सत होती तो फिर क्या बात थी? मैं अपने बच्चों को जाके देख के नहीं आता? मेरे बच्चे बाहर हैं, उनको मैं कब से नहीं देख पा, 3 साल हो गए मुझे, लेकिन नहीं फुर्सत ही नहीं मिल पा रही, क्या करें, काम भी जरूरी बस है। बदनाम करने के लिए बस एक षड्यंत्र रच रही थी अपना, ताकि पैसा भी मिल जाए और उनका काम भी निकल जाए। मैंने क्या चाल चली हो, तुम कह रहे हो मेरी माँ जैसी है, सुरीली है, उसके सुर तो सारे के सारे बंद हो गए, लेकिन तुम ऐसा सोच। चलिए बहुत अच्छा काम किया, मेरे आँख से जो पट्टी था वो उतार दिया, थैंक यू। चलिए हमारी जो फर्ज था वो हमने पूरा किया।